बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 एलिमिनेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे पास एलिमिनेशन। सबसे पहले एलिमिनेशन मीन समझे, इसका मतलब क्या है। एलिमिनेशन का मतलब होता है साकित करना या फिर ख़त्म करना। यानी कि कोई भी चीज़ आपको सवाल में मौजूद होती है और कहा जाता है कि आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट यानी कि ख़त्म साकित कर दें, यानी कि उसका नामो निशान यानी उस वैल्यू को वो चीज़ ना हो आपके सब उस आंसर के अंदर, तो उसको हम साकित करना या ख़त्म करना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, एलिमिनेशन ए। यानी कि हमें ए को एलिमिनेट करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई है उससे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से हमें ए को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास 2 मौजूद है, 2a + 3b - 5 = 0, a - 2b + 1 = 0। सोल्यूशन लिखेंगे, 2a + 3b - 5 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। a - 2b + 1 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप 1 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन लेनी है, हमें 2 लेनी है, तो a - 2b + 1 = 0। अब हमें यहाँ पर a को सब्जेक्ट बनाना है, यानी a के पास जो जो चीज़ें हैं सबको इक्वल टू के सेकेंड साइड पर लेके जानी है। तो हम जैसे कि माइनस का प्लस का 1 था, वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 है वहाँ पर जाके प्लस का टू भी हो गया, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी a = 2b - 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमें करना ये है कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 के ना पुट करना है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 कौन सी है, 2a + 3b - 5 = 0। ठीक है जी, 2 इक्वेशन का। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी जो हमने सब्जेक्ट बनाया था, 2b - 1। ठीक है जी, +3b - 5 एज इट इज़ नीचे ऐसे लिख लेंगे। अब उसको सिंपल ब्रैकेट ओपन कर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4b - 9, 2 1 ज़ा 2, +3b - 5 = 0। ठीक है जी, अब देखिए +4b + 3b इसको ऐड करने तो क्या हमारे पास आ जाएगा, +7b। अब -5 - 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 = 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास, यानी ए हमारे पास खुद भी नहीं है, तो हमने यहाँ क्या कर ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये इसका आंसर। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, 4a + 3b + 8 = 0, a - 5b - 2 = 0। इसी तरीके जैसे हमने पहला सवाल करा, इसी तरीके से हम यारा सवाल भी करेंगे, 4a + 3b + 8 = 0। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, a + 5b - 2 = 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन टू से उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है क्या, a + 5b - 2 = 0। अब ए को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ए के पास जो भी चीज़ उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो a = अभी प्लस का 5 है वहाँ जाके -5 हो जाएगा, -5b, -2 है वहाँ जाके +2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो हमने एक इक्वेशन से बनाई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 के ना पुट करेंगे, तो छोटी सी थ्योरी लिखें, नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, 4a + 3b + 8 = 0। अब जैसे कि 4 हमारे पास इक्वेशन का, अब a किसके बराबर है, -5b + 2 - 5b + 2 + 3b + 8 = 0। हम करेंगे इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 4 5 ज़ा 20, -20b आ गया, +4 2 ज़ा 8, +3b + 8 = 0। आप वेरिएबल को भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि -20b + 3b + 8 = 0। -20b + 3b कैंसिल करेंगे और वैल्यू आ जाएगी -17b। ठीक है जी, +8 + 8 यानी कि a 8 और 8 16 = 0। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से a को एलिमिनेट कर दिया,
ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। अब इसी तरीके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले यहाँ इक्वेशन को चूज करना है। सबसे पहले हम ई जैसे ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं, ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारे पास कौन सी है, ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस का क्यू है वहाँ जाके माइनस का क्यू हो जाएगा, ए पी इक्वल टू माइनस क्यू, पी जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करेंगे, नाउ पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, इक्वेशन वन बिकम्स ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है क्या, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब उस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू ज़ीरो। आप उसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए को एलिमिनेट कर दिया है, आप उसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पी को एलसीएम बना लें, पी स्क्वायर को आप एलसीएम बना लें। अब एलसीएम का रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, पी स्क्वायर को आप पी स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करा दें, पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा वन। अब ये वन जो है इस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्यू स्क्वायर वन क्यू स्क्वायर ए प्लस साइन। अब पी स्क्वायर जो है अकॉर्डिंग टू द रूल हमने यहाँ वन लगा दिया है, पी स्क्वायर जो इस वन से क्या होगा डिवाइड, जब पी स्क्वायर इस वन से डिवाइड होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इस वाई से क्या होगा मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पी जो है पी स्क्वायर डिवाइड और वहाँ ज़ीरो के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। अब यहाँ दे सकते हैं कि अब हमारे पास ए ए की वैल्यू या फिर ए हमारे पास नहीं, तो हमने इसको एलिमिनेट कर, तो ये हमारे पास का आंसर है। अब इसलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है एलिमिनेट द टी। अब प्रीवियस सवाल के अंदर क्या था कि हमें एलिमिनेट ए करना था, अब हमें टी को एलिमिनेट करना है, ठीक है जी। एलिमिनेट द टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, उसी तरीके से हमें करें जो हमने पिछले सवाल करें। सोल्यूशन लिखेंगे, वाई इक्वल टू टू अपॉन फाइव इंटू टी, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय टी, इसको हम इक्वेशन नंबर टू सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको हम इक्वेशन वन से पुट करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है क्या, वाई इक्वल टू टू अपॉन फाइव टी। अब ये फाइव डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई हो रहा है टी से डी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी, टी इक्वल टू फाइव वाई डिवाइडेड बाय टू, ठीक है जी। ये वैल्यू इस तरह बनेगी हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर थ्री को हमें इक्वेशन नंबर टू के वैल्यू में पुट करनी है, तो किस तरह पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू हाफ इंटू टी, ठीक है जी। एक्स इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब टी की जगह क्या पुट करेंगे, फाइव वाई अपॉन टू, फाइव वाई अपॉन टू। अब उसको फर्दर आप उसको सॉल्व करेंगे, फाइव वन को फाइव वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव वाई डिवाइडेड बाय टू टू सा फोर आ जाएगा। अब ये फोर जो है डिवाइड हो रहा है एक्स के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर एक्स इक्वल टू फाइव वाई, फाइव को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे, फोर एक्स माइनस का फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो। और हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टी को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि टी हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, वाई इक्वल टू ए टू टी टू ए टी कॉमा एक्स बराबर है ए टी स्क्वायर के, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वाई बराबर है टू ए टी इक्वेशन नंबर वन, एक्स इक्वल टू
ए टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, वाई इक्वल टू टू ए टी, टू ए टी। अब टू ए जो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, टी इक्वल टू वाई अपॉन टू ए। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन नंबर थ्री को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू के अंदर। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है क्या, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए आ गया हमारे पास, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर उस पर अप्लाई कर देंगे, ए वाई स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, और ये ए स्क्वायर, स्क्वायर से इस ए को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ए इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बचेगी वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए। अभी फोर जो है डिवाइडर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास फोर ए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस वाई को हम इस साइड पर करा देंगे, फोर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये हमारे पास का आंसर आ चुका है। जैसे कि हमें यहाँ पे टी को एलिमिनेट करना था ऊपर, जैसे हमने टी को सब्जेक्ट बनाया, फिर इसके बाद हमने नीचे जो है इसको एलिमिनेट कर दिया, हमारे टी की कोई वैल्यू या टी का कोई वैल्यूबल नहीं है तो उसमें इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका आंसर है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, वी एस इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं ये फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि इस इक्वेशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स की मैट्रिक, मैट्रिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी, और टी यानी कि टाइम, और एस यानी कि डिस्टेंस। तो हम इस इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, हमें इसमें से भी टी एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, टी एलिमिनेट करेंगे, टी एलिमिनेट किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी इक्वेशन नंबर वन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन बिकम्स वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब हमें यहाँ से टी को सब्जेक्ट बनाना है, जो भी वैल्यूज है उसको उसके पास से हम यहाँ हटा देंगे, तो वी आई प्लस का है यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू जी टी, जी टी से मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय जी। आपने देखा होगा अमूमन कि हमें टाइम मालूम करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के अंदर फिजिक्स में, तो आप इस तरह की आप फॉर्मूला पहले बनाते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, फिर आप उसको जाके पुट करते हो, तो हमने इसी वही कंडीशन में अप्लाई करी है, लेकिन हमें यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक मैथ्स में इसको एलिमिनेट करना है टी को। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर थ्री का इसको नाम दे देते हैं, और उसे यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन थ्री इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन टू के ना इसको पुट कर दें। इक्वेशन टू हमारे पास कौन सी है, एक्स इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी आई, अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या है वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, तो यहाँ लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ जी इक्वेशन का। अब कह रहा है टी की वैल्यू, टी हमारे पास क्या है वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टी पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी आई वी एफ से मल्टीप्लाई होगा, वी एफ इंटू वी आई माइनस साइन, वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्लस हाफ इंटू जी। अब देखें ये जी, ये स्क्वायर जो इस जी पर अप्लाई होगा तो जी का स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस वी एफ माइनस वी आई पर अप्लाई होगा तो वो फॉर्मूला वापस खुल जाएगा, वो फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई का स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने इसको ज़रा डिटेल में लेके नहीं गया, मैं सिर्फ डायरेक्ट जो है फॉर्मूला एक्सपेंड करें, फॉर्मूले को ओपन कर लिया। ठीक है जी, अब करेंगे ये कि जी स्क्वायर से ये जी कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वी एफ वी आई माइनस का वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्लस टू जी
वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस का वी आई स्क्वायर। ठीक है जी, हम करेंगे ये 2g और g का एलसीएम ले लेंगे, तो हम 2g को एलसीएम बना लेते हैं अपना। ठीक है, आप करेंगे ये 2g को आप एलसीएम बना लीजिए। ठीक है जी, अब जैसे कि हमने उसका रूल क्या होता है कि हमें उसका रूल बनाना पड़ता है कि 2g को g से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एलसीएम का रूल क्या होता है, डिवाइड कर g से g कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर 2 बचेगा, 2 ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा वी एफ इंटू वी आई माइनस वी आई स्क्वायर प्लस साइन। जब 2g को 2g से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 पूरी वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई का स्क्वायर। ठीक है जी, आप ये वैल्यू देख सकते हैं पीछे भी, सेम वही वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हैं, वी एफ वी आई माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी, ये सवाल काफ़ी थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी सवाल है हमारे पास ये। अब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टू ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होगा, टू वी एफ वी आई माइनस टू वी आई स्क्वायर प्लस साइन, वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी, प्लस का टू वी एफ वी आई कैंसिल, माइनस का टू वी एफ प्लस का वी आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी एस इक्वल टू माइनस का टू वी आई स्क्वायर प्लस का वी एफ स्क्वायर प्लस का वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी, एस इक्वल टू टू माइनस का टू वी आई प्लस का वन वी आई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी। अब टू जी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास जाएगा टू जी एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है जी, हमने यहाँ से टी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आपको इन सवालात में जो हमने सवाल करे हैं आज, इन सवालात में कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।